आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और अगस्त माह लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कहीं ना कहीं भरता हुआ नजर आता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। सिवनी जिले में पुलिस के द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा वाहन रैली सिवनी में निकाली गई। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक ध्येय जारी किया गया, आज़ादी के रंग खाकी के संग। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की श्रृंखला में 78वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया जाएगा और उसके समारोह की श्रृंखला के क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तारतम्य में पुलिस बैंड की प्रस्तुति व देशभक्ति के गीतों व भारत माँ की जय के नारों के गूंज सिवनी में सुनाई दी। देशभक्ति का जज्बा भरने वाले गीत और हर जगह भारत माता की जय के नारों की गूंज आपको जगह जगह सुनाई दे रही होगी। सिवनी में पुलिस के विभिन्न इकाइयों में जो भी कर्मचारी पदस्थ हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं, पुलिस के जाबाज सिपाहियों और अनेक कर्मचारियों के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रक्षित केंद्र, रक्षित आरक्षी केंद्र, रिजर्व पुलिस लाइन से आरंभ हुई इस रैली। देखा जाए तो ये इस रैली का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम से ये आरंभ हुई और रक्षित केंद्र से सुसज्जित कर इस रैली को जब निकाला गया तो जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के द्वारा इसे हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रैली पुलिस नियंत्रण कक्ष चौराहे से होती हुई अंबेडकर चौक, गांधी भवन, रानी दुर्गावती प्रतिमा के सामने से होती हुई दलसागर बस स्टैंड, मिशन स्कूल होते हुए ये आज़ादी की गाथा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के बलिदान व संघर्ष के प्रतीक जय स्तंभ नगरपालिका चौक से छिंदवाड़ा चौक पहुंचकर इसी मार्ग से ये रैली वापस हुई। रक्षित केंद्र में रैली का समापन हुआ। रैली का प्रमुख स्थानों पर नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट एंड गाइड के द्वारा तालियां बजाकर इसका स्वागत और सम्मान किया। अपनी राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और समर्पण को व्यक्त किया इस रैली के जरिए। रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा, एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे, डीएसपी महिला प्रकोष्ठ प्रदीप वाल्मीकि, रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू, थाना प्रभारी कोतवाली, महिला थाना, जेके थाना, यातायात थाना, साइबर सेल सहित अनेक कर्मचारी, 250 से ज़्यादा पुलिस के कर्मचारी यहां पर उपस्थित थे। उनके द्वारा आओ हम सब मिलकर राष्ट्र पर्व घर घर मनाएं, हर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराएं, भारत माँ का मान बढ़ाएं, ये एक गाथा गाते हुए इस रैली को निकाला गया। आप देख सकते हैं पुलिस नियंत्रण कक्ष सर्किट हाउस चौराहे पर, जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, ये दोनों आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे और हरे रंग का एक जो ध्वज है, दरअसल हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया जाएगा और इस ध्वज के जरिए ये रैली आरंभ होगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता और जिला कलेक्टर संस्कृति जैन आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये कलेक्टर निवास को जाने वाला मार्ग और यही बाएं तरफ कलेक्टर का निवास है और दाएं तरफ रक्षित आरक्षी केंद्र पुलिस लाइन यहाँ पर मौजूद है।
अधिकारी खड़े हुए हैं पुलिस नियंत्रण कक्ष के समक्ष और ये रैली अब यहाँ से आरंभ हुई। इस रैली में जांबाज सिपाही, जांबाज अधिकारी, जांबाज कर्मचारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस वाहनों में ये जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक दिखाई दे रही होगी कि सारे अधिकारी, सारे सवार दो पहिया वाहनों में जो भी सवार हैं, वे कुछ अधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो वे बाकी सारे आपको कहीं ना कहीं हेलमेट लगाए हुए दिख रहे होंगे। चालक तो कम से कम हेलमेट लगाए हैं, पीछे जो सवारी बैठे हैं, अन्य जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हें भी वैसे हेलमेट लगाया जाना चाहिए था, पर वे पीछे हेलमेट शायद मध्य प्रदेश में अनिवार्य नहीं है। वाहन चालन करने वाले हेलमेट लगाए हुए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा बहुत शान से लहराता है, भारत का ये तिरंगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लोग जो अधिकारी यहाँ से आपको पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी इस रैली का हिस्सा बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अपने अपने वाहनों में तिरंगा लगाकर ये रैली इनके द्वारा निकाली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।